नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उन चीज़ों के बारे में जिन्हें घर में लगाने या रखने से हमारे घर में टेंशन आती है, परेशानियां आती है और साथ ही माँ लक्ष्मी जो है वह हमसे नाराज होकर हमारा घर छोड़कर चली जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर हम अपने प्रवेश द्वार यानी कि मेन गेट के पास लगाते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी जो है वो प्रवेश करती है और साथ ही अपने साथ लेकर आती है अपार खुशियाँ, सुख शांति और समृद्धि। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें घर में लगाने से, मेन गेट पर लगाने से दोस्तों अपार सुख शांति और समृद्धि होती है और साथ ही आरोग्य का वास होता है, बीमारियों से रक्षा होती है और नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अपना देश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरन कर लीजिए ताकि इस तरह की अन्य जानकारी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों, आप घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो लाती है अपार समृद्धि। उनमें सबसे पहली चीज़ है दोस्तों स्वास्तिक। स्वास्तिक दोस्तों, स्वास्तिक का अर्थ होता है स्व प्लस अस्ति, यानी कि सब कुछ शुभ और मंगल का प्रतीक होता है स्वास्तिक। दोस्तों, घर के मेन गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से प्रवेश द्वार से हमारे घर में अपार समृद्धि का जो है वो प्रवेश होता है। और दोस्तों, जब आप प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाएं तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपका प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है तो आप उस प्रवेश द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और हो सके तो दोस्तों ये चिन्ह आप गुरुवार के दिन बनाएं ताकि आप पर बृहस्पति देव की असीम कृपा जो वो बनी रहे, आपके घर में वैवाहिक जो जीवन है वो बहुत अच्छा रहे, विवाह संबंधी परेशानियां बिल्कुल ना रहे और साथ ही आपको सुखी जीवन की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, जरूर बनाएं अपने मेन गेट पर आप स्वास्तिक का चिन्ह। दूसरी चीज है दोस्तों शुभ लाभ। शुभ लाभ दोस्तों जब भी जहाँ भी बनाए जाते हैं वो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं और उस घर में जो है लोग बीमार कम पड़ते हैं। दोस्तों, निरोगी काया का वरदान देते हैं शुभ लाभ। शुभ लाभ बनाते वक्त ध्यान रखें कि शुभ का जो चिन्ह है वो गेट के बाईं ओर और लाभ का चिन्ह दाहिनी ओर आपको लगाना है। दोस्तों, इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप जीवन में धन ऐश्वर्य के सुख को भोगना चाहते हैं तो शुभ लाभ अवश्य लगाएं, क्योंकि दोस्तों बिना निरोगी काया के पैसे को आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। पैसों को इंजॉय करना चाहते हैं दोस्तों तो निरोगी रहिए, और निरोगी रहने के लिए दोस्तों आप अपने गेट पर शुभ लाभ के शुभ चिन्ह जरूर अंकित करें। तीसरी चीज़ जो दोस्तों आपको अपने मेन गेट पर लगानी है वो है बंधनवार। दोस्तों, मैं बहुत सारे वीडियो में पहले भी चीज़ बता चुकी हूँ कि आप आम के पत्तों की बंधनवार जरूर अपने गेट पर लगाएं। किसी विशेष पूजा के दिन तो आप लगाएं ही, अगर नॉर्मल डेज में डेली भी अगर आप लगा के रखते हैं तो ये आपके घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। आम के पत्तों के अलावा पीपल के पत्तों और अशोक के पत्तों से भी बंधनवार बना सकते हैं। दोस्तों, ये आपके घर में किसी भी नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश नहीं करने देती है। दोस्तों, आप जरूर यूज़ करें बंधनवार, और जैसे ही पत्ते जो सूख जाए या ड्राई हो जाए या फिर मुरझा जाए तो आप हटाकर नए पत्ते लगा लें। अगली चीज़ है दोस्तों माँ लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति को मेन गेट पर लगाने से दोस्तों अपार समृद्धि जो घर में आती है। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगानी है, भगवान गणेश की प्रतिमा को मेन गेट पर बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, ये गलती बहुत से जन करते हैं। भगवान गणेश द्वारपाल नहीं है, उन्हें मेन गेट पर लगाने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से गणेश जी की पीठ जो है वो घर के अंदर की तरफ हो जाती है। दोस्तों, गणेश जी की पीठ के पीछे
दरिद्रता, गरीबी का वास होता है। और दोस्तों, अगर आप अपने मेन गेट के पीछे गणेश जी की प्रतिमा लगाएंगे तो गणेश जी की पीठ आपके घर की तरफ होगी, और इस तरह से गणेश जी की पीठ आपके घर की तरफ होगी तो आपके घर में कभी भी समृद्धि नहीं रह पाएगी दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी होगी माँ पार्वती की। माँ पार्वती ने भगवान गणेश को द्वारपाल बनाया था और फिर उनका वध जो है भगवान शिव के हाथों हुआ था। और उसी समय के बाद से दोस्तों भगवान गणेश को द्वारपाल बनाना निषिद्ध माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में पहले से ही गणेश जी की प्रतिमा मेन गेट पर लगी हुई है जिसे आप हटा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति के पीछे घर के अंदर आप घर के अंदर की तरफ मुख करते हुए गणेश जी की दूसरी प्रतिमा लगा दें। इससे दोनों प्रतिमाओं की जो पीठ है वो एक दूसरे की पीठ से मिल जाएंगी और उसका नेगेटिव इफेक्ट आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पांचवी चीज है माँ लक्ष्मी के पैर। माँ लक्ष्मी के जो चरण कमलों के चिन्ह है दोस्तों, आप मेन गेट के बाहर इस तरह से लगाएं कि माँ लक्ष्मी के जो चरण है वो घर में अंदर की ओर आते हुए प्रतीत हो। और साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखें, अगर आप इस तरह के चिन्ह लगाते हैं तो चप्पल जूतों को आप दूर रखें। वैसे भी दोस्तों, अपने मेन गेट के पास में या सामने आप कभी भी चप्पल जूते ना खोलें। मेन गेट को आप बिल्कुल क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। वहाँ कभी भी आप डस्टबिन ये सब ना रखें दोस्तों। अगर कुछ समय के लिए रखना भी पड़े तो आप तुरंत उसे हटा लें। दोस्तों, घर का मेन गेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ कोई भी तरह की गंदगी जो है वहाँ बिल्कुल भी ना फैलाएं। छठी चीज़ दोस्तों, ग्लास के कंटेनर में रखें फ्रेश फ्लावर्स। दोस्तों, अगर आप अपने घर में अपार समृद्धि खुशहाली चाहते तो एक बहुत छोटा सा उपाय आप जरूर करें। कांच के कंटेनर में फ्रेश पानी भरकर आपने उसमें फ्रेश फ्लावर रखने हैं दोस्तों। इस तरह से अगर आप फ्रेश फ्लावर्स रखते हैं तो ये माँ लक्ष्मी को आपके घर की ओर खींच लाएंगे दोस्तों। साथ ही आपके घर का जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा रहेगा, बहुत ही खुशहाली भरा रहेगा दोस्तों। बस ध्यान रहे दोस्तों, फूलों को मुरझाते ही आपको चेंज करना है और साथ ही पानी को आपने डेली चेंज करके फ्रेश पानी का ही इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर आप इस तरह से पानी जो भरकर रखते हैं तो ये आपके घर में अपार समृद्धि का सूचक है दोस्तों। उस घर से माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है। दोस्तों, सातवीं चीज़ है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल दोस्तों घर में प्रॉस्पेरिटी लाती है, आपके भाग्य को जगाती है दोस्तों। आपके घर में किसी भी तरह के अगर वास्तु दोष है जिनका उपाय करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप एक छोटा सिंपल सा उपाय आप कर लीजिए। काले घोड़े की नाल को आप या तो मेन गेट के ऊपर या फिर चौखट पर आप कील से फिट करवा लें दोस्तों। इस नाल को लगाने से घर में अपार समृद्धि आती है और घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष जो है वो शांत हो जाते हैं। आठवीं चीज है दोस्तों, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तुलसी का पौधा होना ही अपने आप में सुख समृद्धि और आरोग्य की निशानी है दोस्तों। साइंटिफिक वे से देखते हैं तभी तुलसी का पौधा जो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, हमें आरोग्य प्रदान करता है और घर में खुशहाली लेकर आता है दोस्तों। घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में आप तुलसी का पौधा जरूर से लगाएं और उसके नियम से पूजा करें। और तुलसी के पौधे के पूजा संबंधित नियम के लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और आप उन नियमों को पालन करते हुए तुलसी जी की डेली पूजा करें। तो दोस्तों, ये थी वास्तु से जुड़ी कुछ चीज़ें जिन्हें अगर हम गेट के मेन गेट के पास रखते हैं तो हमारे घर में अपार समृद्धि का वास होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो मेन गेट से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। जैसे मेन गेट दोस्तों घर के दूसरे दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। जितना भव्य दरवाजा होता है दोस्तों उतना ही घर में अपार धन और ऐश्वर्य को वो सुनिश्चित करता है। साथ ही दोस्तों, घर के मेन गेट को आपको सजाना है, बहुत सुंदर तरीके से सजाना है। लेकिन सजाने में दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखें कि सजावट करते वक्त
कोई ऐसी चीज आप गेट के पास ना रखें जिससे गेट को खोलने और बंद करने में किसी भी तरह की रुकावट आए। साथ ही दोस्तों एक चीज का विशेष ख्याल रखें कि मेन गेट पर चौखट अवश्य होनी चाहिए। चौखट मतलब दहलीज। दोस्तों दहलीज का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुराने जमाने में जो घरों में दहलीज होती थी, बहुत ऊंची ऊंची लकड़ी की दहलीज हुआ करती थी। वहाँ उन घरों में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, बड़ों का सम्मान होता था और बहुत ज़्यादा मर्यादा रहती थी उन घरों में। लेकिन दोस्तों आज बिल्कुल विपरीत हो गया है। बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते, उनको जवाब देते हैं, सामने बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में भी अगर ऐसा होता है तो अपने मेन गेट को एक बार जरूर देख लें कि आपकी मेन गेट पर चौखट है कि नहीं। दोस्तों अगर आपके मेन गेट पर अगर चौखट नहीं है तो आप जरूर लगवाएं। इससे दोस्तों घर में बहुत अच्छा माहौल बनता है, समृद्धि आती है और रिश्तों में मिठास आती है। और दोस्तों अगर आपको दहलीज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें एक चांदी का तार डलवा कर उसके ऊपर आप दहलीज फिट करवा दें। इससे आपके घर का वातावरण दोस्तों बहुत ही सुखद और सुंदर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप वीकली या मंथली ये हैबिट बनाएं कि दरवाजों में तेल देते रहें। दरवाजों से जो आवाज आती है दोस्तों, वो आवाज आमंत्रित करती है गरीबी को, दरिद्रता को। तो बिल्कुल ऐसी आवाज दरवाजों से आप ना आने दें। उनमें समय समय पर तेल डालते रहें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों ख्याल रखें कि जो मेन गेट होता है वो हमेशा अंदर की ओर खुले, क्योंकि दोस्तों जो दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं वहाँ प्राय धन का अभाव ही रहता है। तो दोस्तों ये थी एंट्रेंस रिलेटेड मेन गेट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। दोस्तों आप भी अपने घर की मेन गेट को एक बार जरूर गौर से देखें कि क्या वहाँ पर भी ऐसी समस्याएं तो नहीं है, और साथ ही दोस्तों उन चीज़ों से सजाएं जो लाती है आपके घर में अपार सुख शांति और समृद्धि। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी का फायदा उन्हें भी मिल सके।